और कर दे। अब उसके बाद हम थोड़ा सा खाना पुना लेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज देखेंगे। सो गाइज, अभी हम हैं नॉर्दर्न बे में और एक्टिविटीज देख रहे हैं, बट अगर होली के लिए पीछे एक डीजे लग रहा है, अगर वो लग गया तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। इस फिर तो हम यहीं पे इंजॉय करने वाले हैं, थोड़ा सा लग रहा है अभी तो। गाने बजेंगे और मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज है हैप्पी होली एंड मज़े करेंगे डांस तरीके से होली इन नॉर्थ बे। उन्होंने बोला था कि बताना नहीं है तो नौकरी चल जाएगी आपके, आपके ब्लॉग में आएगा, पर आप हमें आपको बताएंगे कि ऐसा होता है यहाँ पे। पीछे से बोलते हैं 2500 और आगे 2000 में बन जाता है काम, तो इट्स कूल। तो लेट्स गो, समरी में चलते हैं, डांस वांस करके आएंगे। एंड ज्योति, काश वर्थ हो, क्योंकि इसमें सब भी है भाई। बट हम भाई, तू तू अपने पैसे देगी पापा को, मैं अपने पैसे दूंगा, हम वी आर अर्निंग राइट नाउ। और नूडल्स, हाका नूडल्स आ चुका है विद वन ओरियो शेक एंड पापा का जो क्या है, पापा आपका क्या होने वाला है? नहीं, मैं पढ़ तो करता हूँ, पनीर बटर मसाला विद मटर पुलाव। कहाँ
दैट वाज ऑल फ्रॉम दिस नॉर्थ वे. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी होली मनाई है हम लोगों ने, और मतलब जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी उससे ज़्यादा मज़ा आ गया यहाँ पर. एंड पता नहीं क्या बना दिया मुझे अब भूत सा. एंड रियली इन्जॉयड, रियली 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 इन्जॉयड हेयर. कभी नहीं सोचा था कि मेरी 2024 की जो होली होगी वो एक बीच में होगी. तो हमारी जो सिल्वर सी है वो आ चुकी है, सबसे बड़ी है एक्चुअली ये. आई लाइक दिस, पहली बार आ रहा हूँ, सब कुछ बड़ा बड़ा मिल रहा है. मतलब देखो आपको दिखाता हूँ सबकी शिप्स और मेरी शिप में फ़र्क कितना है. ये छोटी छोटी शिप्स ना सब लोगों की हैं, ये जिसमें वापस जाएंगे. मेरी शिप देखो, दिस इज सिल्वर सी. सिल्वर सी मतलब पूरे आप अगर बीच में देख लो राइट से लेकर लेफ्ट तक, तो एक जो यार्क था सिर्फ वही बड़ा था. उसके बाद ये मेरी जो फेरी है, इसको फेरी कहते हैं, तो ये सबसे बड़ी है मेरी, उसका नाम है सिल्वर सी. इट्स हियर, सो लेट्स गो. सेकेंड डे इन अंडमान हो चुका है कंप्लीट. सो नाउ हम जा रहे हैं अपने अपने रूम्स में. सो गाइस नाउ वी आर रेडी अगेन एंड हम जा रहे हैं लाइट शो देखने, जो कि सेंट्रल जेल में ही होता है. तो लेट्स गो. एंड अभी हम होली बना के रेडी हो चुके हैं, नहा धो के मैं तो नहा लिया था. सो अब जा रहे हैं, अभी आके डिनर करेंगे. लेट्स गो. हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे, अगेन बैक टू सेलुलर जेल. अब से ना मैं जाने लग गया हूँ सारी चीज़ें, या मतलब हर एक जगह को अच्छे से बाय हार्ट. पहले मैं बोल रहा था कि ये है वो है, अब मुझे पता चल गया कि नॉर्दर्न बे कौन सा है, हडसन बे कौन सा था, कौन कौन सा थे, नॉर्थ बे आइलैंड, दूसरा कौन सा, रॉस आइलैंड जिसका नाम अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड हो गया शायद, मोदी जी ने बोल दिया था. तो मैं चीज़ें मैं समझ लग गया हूँ. सो अभी हम लगे हैं लाइनों में. सो वी आर एंटरिंग द सेंट्रल जेल एंड लेट्स सी क्या रहता है इधर का. रात का व्यू भी अच्छा है, मस्त है, बट सुबह का भी और अच्छा था क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता सुबह भी. लाइट शो यहाँ पे होगा, तो देखा था तो हमको लाइट शो कैसा रहेगा. ये ऐसे सारे लोग बैठे हैं और मज़ा आएगा. हम फ्रंट में बैठे हैं, तो यहाँ पे होने वाला है हमारा लाइट शो. और ये है कुछ व्यू सेंट्रल जेल का रात का, तो बहुत लोगों के लिए गंदा व्यू हो सकता है जो सारे काट के गए हैं, बट अभी तो अच्छा लग रहा है. ये बनाने में लोग अच्छे थे ब्रिटिशर्स, बट निभाने में और हरकतों में अजीब थे, गंदे थे एक्चुअली. लेट्स सी क्या किया उन्होंने हमारे लेजेंड्स का. So, guys, जो हमारा जो लाइट शो है वो स्टार्ट होने वाला है इन मिनट. डैडी हमारे वहाँ पे चले गए बात करें इम्पोर्टेंट कुछ, और लाइट सारी बंद हो चुकी हैं हमारे आई साइड, सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं, डिम हो गया है पूरा, और थोड़ा स्केरी भी है और थोड़ा एक्साइटिंग भी है. चलो अब ड्यूरिंग द शो नहीं है, वीडियोग्राफी तो आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद, बाय, टेक केयर. तो गाइस बहुत ही ज़्यादा प्यारा शो था, बहुत ज़्यादा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस
क्या एक्सपीरियंस था मम्मा, कैसा शो था? मेरा तो लाइफ में कभी नहीं ऐसा शो देखा, कभी नहीं। मेरे तो सारे दिन की थकान दूर होगी, सफल हो गया यहाँ का ट्रिप जो था ना, आज सफल हुआ। सही बात है, दिन में नहीं पता चला हमें इतने देखा। और इतना ये अच्छा था कि अभी शाम का शो हिंदी में लिया हमने, दैट वाज मोर इंटरेस्टिंग। वेरी नाइस, इंग्लिश भी अच्छा होता बट देशभक्ति अपने हिंदी में सुनना, जय माता दी, जय वंदे भारत, भारत माता की जय, भारत माता की ऑलवेज जय। सो टैक्सी आ गई, हम जा रहे हैं अपने होटल, वहाँ पे खाना खुना खा के रेस्ट करेंगे, फिर कल के लिए निकलेंगे। लेट्स गो। अच्छा जी, आपने आज बहुत प्यारा था भैया। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड अभी बज रहे हैं सुबह के 5:46 एंड दिस इज डे 3 इन अंडमान। सो नाउ वी आर लिविंग एंड लेट्स गो अगेन, रेडी फॉर न्यू ट्रिप, न्यू जर्नी। मिलते हैं आपको डायरेक्ट फेरी के पास। Guys, we have reached the Havelock Island, yes. And यहाँ से हमें मिलेगी टैक्सी, एंड बहुत मज़ा आया। दो घंटे हमें कैसे निकल गया पता चला, हमने एक्चुअली डांस कर रहे थे सब, एंड ड्यू टू दैट हमें सफ़र का इतना पता चला, मज़े में ऐसे लग रहा था हम याक में, जैसे हम कल जहाँ पे गए थे वहाँ पे 2,000 रुपये दे के एक घंटा डांस, एक घंटे का बोला था, वहाँ पे 2 मिनट डांस किया और यहाँ पर काफी टाइम घंटा डांस किया। इवन इनके पास एक स्पीकर था, दिल खुश हो गया। चलिए पापा, लेट्स गो। ओ माय गॉड, गर्मी। सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स आर, मतलब पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम टैक्सी लेने जा रहे हैं भैया, और उन्होंने बोला कि आप रोड की तरफ आ जाओ, तो यहाँ पे तो सारा पानी पानी है, तो हम ये क्रॉस करके, वो दिखाओ लेन, वो उसको क्रॉस करके रोड की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पे टैक्सी मिलेगी। और ये डॉक एरिया है गाइस, और हमने कैब्स अंदर सजा के रखी हुई है जबकि गर्मी बहुत है, कैप हैट्स ले लेनी थी, बाकी ये सारा डॉक एरिया, इतनी धूप पड़ रही है ऊपर से, जहाँ से लोग इधर पता नहीं क्यों सजाए हुए हैं, पोर्ट ब्लेयर जा रहे हैं, क्योंकि तो अभी हम एवलॉग डॉक में है, उसका नील सिंह जी, ये कौन है अर्जुन सिंह जी, होटल में के बाद फिर प्रोग्राम बताएंगे। हमें लगा हमने तोड़ दिया, नहीं हम इतना शक्तिशाली हो गया यहाँ पर आकर।